Welcome to the lecture of Workshop Technology 3. My name is Amit Verma from Mechanical Department in Satyam Group of Institute. आज जो न्यू चैप्टर है अपना शुरू किया है वो हैगा गियर मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेसेस। सो आज इस चैप्टर के विच आपां गियर मैन्युफैक्चरिंग के बारे गल करांगे ते उन्हें फिनिशिंग प्रोसेसेस के बारे गल करांगे। सब तो पहला तो आपां गियर देखांगे कि गियर हुंदा की है। सो इंट्रोडक्शन देवांगे, पहला मैं गियर की इंट्रोडक्शन दूंगा तुहानू। सो जानते हैं कि गियर हुंदा की है। व्हाट इज मीन बाय गियर? गियर इज टूथ व्हील टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट विद द एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो विदाउट स्लिप और लॉस। गियर का काम की होता है? सो गियर एक ठीक है राउंड शेप, एक राउंड शेप पार्ट होता है जिस दे विच जो उसके सरकमफ्रांस एरिए दे उपर टीथ बने हुए होंगे। सो उसका काम की होता है? पावर नू ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन शाफ टू अनदर शाफ, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पावर नू ट्रांसमिट करना इन रोटेशनल मोशन, मीनस कि रोटेशनल मोशन के अंदर पावर नू ट्रांसमिट करना विदाउट स्लिप पावर लॉसिज। सो विदाउट स्लिप क्यों किया? क्योंकि आप जो बेल्ट एंड पुली के बारे गल करते हैं उसके अंदर की होता है स्लिप्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, पावर जो लॉसिज होंगी है बहुत ज़्यादा होंगी है। सो उन्हों उसकी जगह पर जो आप गेयर का यूज़ करा, सो गेयर में ये चीज़ा घट होंगे, वो गेयर के जो पावर ट्रांसमिट होंगी है बहुत ज़्यादा एफिशेंट होंगी है, उनके स्लिप्स नहीं अक्कर होंगे, पावर लॉसिज नहीं होंगे। अगे देखते हैं, गेयर इज रोटेटिंग मशीन पार्ट हैविंग कट टीथ विच मैश विद पापुल अनदर टीथ पार्ट टू ट्रांसमिट टॉक। सो गेयर एक रोटेटिंग मशीन एलीमेंट्स आ जिस टीथ कट किए हुए होंगे, ठीक है। तो यह काम की होंगे? पावर नू ट्रांसमिट करना या फिर टॉर्क नू डिवेलप करना ट्रांसमिट करना। सो गेयर दे विच एक बहुत वधिया चीज़ होंगी है कि गेयर डिवाइसिस दे विच पावर नू टॉर्क नू चेंज किया जाता है, ठीक है। जेकर आपां पावर घट चाहिए, पावर घट ट्रांस जेकर आपां पावर घट ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो आपां उस दे अकॉर्डिंग ही गेयर मैनुफैक्चरिंग करते हैं, गेयर लगाते हैं, ठीक है। टॉर्क नू प्रोड्यूस किया जाता इन ए बैटर वे। द टूथ ऑफ द टू मैशिंग गेयर हैव ऑल गेयर ऑल हैव द सेम शेप। सो दो मैशिंग गियर की जो इस दे विच इन्होंने यह कहा कि जो टूथ गियर की जो शेप्स आ जो आप मैशिंग करते हैं टूथ गियर्स नू उस दे विच उसकी शेप जी वो सेम होनी चाहिए। इदा ना हो कि गियर टाइप होर हो कि एक गियर टाइप होर हो गियर टाइप होर हो, ठीक है। सो इदा पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते। एन एडवांटेज ऑफ गेयर इज दैट द टीथ ऑफ गेयर प्रिवेंट स्लिपेज। इस दी मेन एडवांटेज ये है कि ये पावर ट्रांसमिट दे विच कभी भी स्लिपेज फॉर्म स्लिपेज नहीं होंगी। वैन टू गेयर मैश इफ वन गेयर इज बिगर दैन द अदर अ मैकेनिकल एडवांटेज इज प्रोड्यूस विद द रोटेशनल स्पीड एंड द टॉर्क ऑफ द टू गेयर डिफरेंट प्रोपोर्शन डिफरिंग इन प्रोपोर्शन टू देयर डायामीटर। सो इस इदा यह क्या है कि जेकर एक गेयर लार्ज आ तो एक समॉल आ तो यदि एडवांटेजिज होंगी है ये की होंगे है कि जेकर ड्राइवर जरा वड्डा होंगे, ठीक है, ड्राइवर गेयर जेकर वड्डा हो ड्रीवन गेयर छोटा हो पावर ट्रांसमिट जी होनी है वो थोड़ी होनी है, टॉर्क प्रोड्यूस होना है। सो ये तुहाडे सामने जो पिक्चर इस तरह के गेयर होंगे आ सब तो पहला तो आप टाइप्स ऑफ गेयरस बारे गल करांगे कि गेयर की आप हुण इंट्रोडक्शन लै चुके हैं कि होंगे गेयर। उस तो बाद आप देखते हैं कि इस पर टाइप्स ऑफ गेयर किन्ने तरह के होंगे।
सब तो पहला टाइप हैगी आ स्पर गियर। स्पर गियर कहड़े होंगे आ स्पर गियर आर और स्ट्रेट कट गियर आर सिंपलर टाइप ऑफ गियर। दे कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर और डिस्क विद टीथ प्रोजेक्टिंग रेडियली। सो स्पर गियर जेडे स्ट्रेट कट गियर होंगे आ ठीक है। इस ये बहुत ज़्यादा सिंपल गियर बनाए जाते हैं ठीक है। मोस्टली यूज होने वाले गियर आ हर चीज़ के बीच। सो इन्हों की शेप एक सिलेंडर और डिस्क टाइप होंगी है द एज ऑफ द टू द स्ट्रेट एंड लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस दे जो एजिस होंगे इस जो शेप होंगी बहुत ही स्ट्रेट होंगी टीथ बहुत स्ट्रेट होंगे ठीक है। तो इसकी जो पावर जेकर दो शाफ्ट आपस में पैरेलल आ तभी ही बाव इस नू यूज़ किया जाता है। दीज गियर मैश टूगैदर करैक्टली ओनली फिटेड टू पैरेलल शाफ्ट ठीक है। ये गियर उदों ही फिट किए जाते हैं जो कि दो शाफ्ट इक्वली पैरेलल होन आपस में पैरेलल होन। नो एक्सियल थ्रस्ट इज क्रिएटेड बाय द टूथ लोड। स्पर गियर आर एक्सीलेंट एट मॉडरेट स्पीड बट टेंड टू नॉइजी एट हाई स्पीड। सो इस दे विच की हुंदा आ स्पर गियर दी एक डिसएडवांटेजेस आ जिस दे विच मॉडरेट स्पीड ते ये ज़्यादा नॉइज नहीं करदे। जेकर मॉडरेट स्पीड तो आप हाई स्पीड ते इस नूं चलाने आ पावर ट्रांसमिट करते हैं तो इस दे विच की हुंदा आ नॉइज क्रिएट हुंदी आ। सो ये अपने हैगे आ स्पर गियर। नैक्सट है हेलिकर गियर। हेलिकर गियर ऑफर ए रिफाइनमेंट ओवर स्पर गियर। सो ये स्पर गियर तो ही तैयार किए जाते हैं। दिस द लीडिंग एज ऑफ द टीथ आर नॉट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन बट आर सेट एन एंगल। सिंस द गियर इज कर्व्ड दिस लाइन एंगलिंग मेक द टूथ शेप ए सेगमेंट ऑफ ए हेलिक्स। इस दे विच की हुंदा हेलिकल गियर दे विच आपां गल करदे हां कि स्पर गियर नालों थोड़ा जिहा डिफरेंट हुंदे आ। इसदी जो टूथ शेप हुंदी आ जो टीथ बनाए जांदे आ उस नूं वो एक हैलिक्स की तरह हुंदे आ ठीक है। उसकी हैलिक्स शेप हुंदी आ इस दे कारण ही इसका नाम हैलिकल गियर रख्या गया है। हैलिकल गियर कैन बी मैश इन पैरेलल ओरिएंटेशन ठीक है। इसनों भी जो भी शाफ्ट जड़ियाँ आपस में पैरेलल होन उदों ही इसनों यूज़ किया जाता है। दी फॉर्मर और रेफर टू वैन दी शाफ्ट आर पैरेलल टू ईच अदर दिस इज़ दी मोस्ट कॉमन ओरिएंटेशन। हेलिकल गियर आर वन टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल गियर विद स्लैंट टू ट्रेस कंपेयर टू द स्पर गियर। दे हैव ए लार्जर कॉन्टैक्ट रेशियो एंड एक्सल इन क्वाइटनेस एंड लेस वाइब्रेशन एंड एबल टू ट्रांसमिट लार्ज फोर्स। सो हैलीकल गेयर भी एक तरह का सिलेंड्रिकल गेयर आ ठीक है। जिसकी जो टूथ शेप आ वो हैलीकल टाइप आ हैलिक्स टाइप आ। जेकर इसनों स्पर गेयर ना कंपेयर करके देखते हैं तो इसकी जो कॉन्टैक्ट रेशियो आ ते इसकी जो क्वाइटनेस आ मीनस की जो नॉइज प्रोडक्शन आ वह बहुत ज़्यादा घट आ। सो लार्जर कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने के नालों स्पर गेयर नालों तो क्वाइटनेस तो लैस वाइब्रेश तो यह स्पर गियर नालों लैस वाइब्रेट करता है तो पावर नू पावर ट्रांसमिट स्पर गियर नालों बहुत ज़्यादा होंगी है। सो नैक्सट है बेवल गियर। बेवल गियर इज शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर कोन। सो बेवल गियर बहुत ज़्यादा डिफरेंट गियर है। सो इसकी जो शेप है एक कोन टाइप होंगी है। बेवल गियर इज शेप लाइक ए राइट सर्कुलर कोन विद मोस्ट ऑफ द टिप कट ऑफ। वैन टू बेवल गियर मैश द इमेजिनरी वर्टिसेस मस्ट ऑक्यूपाई द सेम पॉइंट। देयर शाफ्ट एक्सिस आल्सो इंटरसेक्ट विद फॉर्मिंग एन आर्बिट्ररी नॉन स्ट्रेट एंगल बिटवीन शाफ्ट। द एंगल बिटवीन द शाफ्ट कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट 0 और 180 डिग्री। बेवल गियर्स आर इक्वल नंबर ऑफ टीथ एंड शाफ्ट एक्सिस एट 90 डिग्री आर कॉल्ड मीटर गियर। सो इस दे विच इन्होंने यह कहा कि जेकर आप बेवल गियर की डायग्राम के दे विच देखिए इस दे विच इन्होंने यह समझाया
कि जो इस दिया सो बेवल गियर एक कोन शेप्ड राइट एंगल कोन शेप्ड गियर आ इसनू पावर इसका यूज़ किया जाता है जिते कि जो परपेंडिकुलर जिस दी जो शाफ्ट की जो एक्सिस है जो आपस में परपेंडिकुलर हो ठीक है जो 90 डिग्री पर होदों ही बेवल गियर नू यूज़ किया जाता ठीक है जिदा कि फॉर एग्जाम्पल इन और जो आप किसी ऑटोमोबाइल की या ट्रक की बसिस की गल करते हैं उस दे विच एक डिफरेंशियल लगा हुंदा है बैक साइड के उपर सो बैक साइड के विच जो डिफरेंशियल लगा हुंदा है रेयर व्हील्स के विच ठीक है एक्सल के विच जो एक डिफरेंशियल तुसी ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट के विच जरूर पढ़िया होना है कि उस दे विच ऑटोमोबाइल के विच जो भी एक डिफरेंशियल के विच आप गेयरस के विच देखते हैं उस दे विच मोस्टली बेवल गेयर का यूज़ किया जाता क्योंकि उस दे विच जो पावर ट्रांसमिट की जाती है उसकी जो शाफ्ट की जो वो शाफ्ट आपस में परपेंडिकुलर होंगे इस करके आप उस दे विच बेवल गेयर्स यूज करते हैं। सो नैक्सट है वॉर्म गेयर। वॉर्म गेयर आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए वॉर्म एंड ए गेयर। सो वॉर्म गेयर की होंगे सो इस दे विच ही मैं समझा दिना डायग्राम दे विच। सो इसनों की गया एक 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 शाफ्ट उपर एक वी शेप्ड स्क्रू बनाया जाता है स्क्रू ठीक है जिदा साइज वड्डा हुंदा है ते उसनों की कहिंदे आ वॉर्म इसनों वॉर्म कहा जाता ते इसनों जो जिहड़ा थले शाफ्ट नूं पावर ट्रांसमिट की जाती है उसनों कहा जाता गेयर। सो ये गेयर टाइप कहड़ा हुंदा है स्पर गेयर। सो इसनों की कहा जाता वॉर्म गेयर आ कंस्ट्रक्टेड टू ए वॉर्म एंड गेयर विद नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट ओरिएंटेड 90 डिग्री टू ईच अदर। सो इसकी जो इस वे नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स होंगी हैं सो इसकी एक्सिस देखिए तो इसकी एक्सिस देखिए दोनों ही आपस परपेंडिकुलर आ। सो कभी द वॉर्म गेयर एनालॉगस टू ए स्क्रू वी शेप्ड थ्रेड एंड ए गेयर इज एनालॉगस टू ए स्पर गेयर। सो जो वॉर्म गेयर होंगे आ उसके जो थ्रेड बने हुए होंगे आ ठीक है जो तीत बने हुए होंगे आ सो की होंगे उसनों थ्रेड कहा जाता तो जो गेयर होंगे वो केड़ा टाइप होंगे स्पर गेयर। द वॉर्म इज टिपिकल द ड्राइविंग कॉम्पोनेंट विद द वॉर्म थ्रेड एडवांसिंग द तीत टू द गेयर। सो नैक्सट है रैक एंड पीनियन। लास्ट है रैक एंड पिनियन इज़ अ टाइप ऑफ लीनियर एक्चुएटर डैट कंप्राइज सर्कुलर गियर इंगेजिंग लीनियर लीनियर गियर विच ऑपरेट द ट्रांसल रोटेशन इन टू लीनियर मोशन। सो इस देखो इस डायग्राम दे विच जो रैक एंड ट्यूब सो रैक एंड पिनियन की गल की है। सो एक सो इस मेन चीज़ होंगी है आप करते हैं रोटेशनल स्पीड नू लीनियर रोटेशनल पावर नू लीनियर पावर दे विच कन्वर्ट कर देने हैं। सो रैक की है एक स्ट्रेट आ ते गेयर की है अपना राउंड शेप। सो रोटेशनल मोशन नू लीनियर मोशन दे विच कन्वर्ट किया जाता है इन रैक एंड पिनियन गेयर दे विच। सो जो गेयर हुंदा उसनू पीनियन कहा जाता। सो एक स्ट्रेट जो गेयर है हुंदा उसनू रैक कहा जाता। ड्राइविंग द पीनियन इन टू रोटेशन कॉज द रैक टू बी ड्राइविंग लीनियरली ड्राइविंग द रैक लीनियरली विद कॉज द पीनियन टू ड्राइविंग रोटेशन रैक एंड पीनियन कैन बी यूज बोथ स्ट्रेट एंड हेलिकल। Yes, the maximum force that can be transmitted in the rack and pinion mechanism determined by the tooth pitch and the size of the pinion. So rack and pinion de vich main khas ye dekhya jadon apan nu linear motion ton apan rotational motion kise nu provide karni hove ta apan ki karde ha rack nu driver bana dende ha te pinion nu driven bana dende ha. So jadon apan nu
रोटेशनल स्पीड में आपां लीनियर स्पीड दे विच कन्वर्ट करना होवे, रोटेशनल मोशन नूं लीनियर मोशन दे विच कन्वर्ट करना होवे, तां आपां पीनियन नूं ड्राइवर बना दिंदे आ ते रैक नूं ड्रिवन कर दिंदे आ। सो इस दा काम आ, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेयर आ, अलग अलग इन्हां दी वर्किंग आ। ठीक है, तुहानूं मैं सिंपली ही समझाया इस नूं। सो डायग्राम दे विच ज़्यादा बैटर आ, डायग्राम नूं जेकर ज़्यादा देखोगे डायग्राम दे द्वारा तुहानूं ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, एज़ कंपेयर टू थ्रैटिकल पार्ट। सो पहले सब तो पहला असां उस दीयां वीडियोज़ देखो यूट्यूब ते है किदां किदां चलदे आ, रन किदां करदे आ। सो उदां ही तुहानूं थ्रैटिकल पार्ट उसका समझ आएगा ज़्यादा।